नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्टर नीलम शर्मा। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि अकारबोस टैबलेट का उपयोग किन कंडीशंस में किया जाता है, अकारबोस टैबलेट को कैसे लेना चाहिए और अकारबोस टैबलेट की वजह से क्या साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं, और यह भी डिस्कस करेंगे कि अकारबोस टैबलेट को लेते समय क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए और किन कंडीशंस में अकारबोस टैबलेट को लेना रेकमेंडेड नहीं होता है। अकारबोस टैबलेट का उपयोग टाइप 2 डायबिटीज में ब्लड शुगर लेवल को कम करने के लिए किया जाता है। अकारबोस टैबलेट ज्यादा ब्लड शुगर लेवल को कम करती है। शरीर में शुगर के लेवल को नियंत्रण में रखना बहुत ही जरूरी होता है, क्योंकि लंबे समय तक शुगर लेवल ज्यादा रहने की वजह से किडनी डैमेज हो सकती है, आँखों की देखने की दृष्टि कम हो सकती है और शरीर की नसें डैमेज हो सकती है। इसलिए शरीर में शुगर के लेवल को नियंत्रण में रखना बहुत ही जरूरी होता है। खाना खाने के 2 घंटे बाद एक नॉर्मल व्यक्ति का ब्लड शुगर लेवल 140 से कम होता है। खाना खाने के 2 घंटे बाद यदि किसी व्यक्ति का ब्लड शुगर लेवल 200 से ज्यादा है तो हम कह सकते हैं कि उस व्यक्ति को डायबिटीज की समस्या है। अकारबोस टैबलेट 25 mg व 50 mg की स्ट्रेंथ में अवेलेबल है। दोस्तों, कृपया वीडियो को लाइक करना न भूलें। अब हम डिस्कस करेंगे कि अकारबोस टैबलेट को कैसे लेना रेकमेंडेड होता है। अकारबोस टैबलेट को खाना खाने से पहले लेना रेकमेंडेड होता है। आपको खाना शुरू करने से 1 मिनट पहले ही अकारबोस टैबलेट को ले लेना चाहिए। आमतौर पर 18 वर्ष से अधिक उम्र के ज्यादातर व्यक्तियों को डॉक्टर अकारबोस 25 mg टैबलेट को दिन में 2 से लेकर 3 बार लेने की सलाह देते हैं, लेकिन बाद में जरूरत पड़ने पर डॉक्टर अकारबोस 50 mg टैबलेट को भी दिन में 2 से लेकर 3 बार लेने की सलाह दे सकते हैं। अकारबोस टैबलेट की खुराक उम्र, शरीर के वजन और बीमारी की गंभीरता के आधार पर कुछ व्यक्तियों में इससे अलग भी हो सकती है, इसलिए आपको अकारबोस टैबलेट को लेने से पहले डॉक्टर से परामर्श लेना चाहिए और डॉक्टर की सलाह के बिना अकारबोस टैबलेट को नहीं लेना चाहिए। अब हम डिस्कस करेंगे कि अकारबोस टैबलेट की वजह से क्या साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं। वैसे तो ज्यादातर व्यक्तियों में अकारबोस टैबलेट की वजह से कोई साइड इफेक्ट्स नहीं होते हैं, लेकिन कुछ परसेंट व्यक्तियों में अकारबोस टैबलेट की वजह से कुछ सामान्य साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं, जैसे सिर दर्द, पसीना ज्यादा आना, पेट दर्द, दस्त और पेट से गैस निकलना आदि साइड इफेक्ट्स अकारबोस टैबलेट की वजह से हो सकते हैं। अब हम डिस्कस करेंगे कि अकारबोस टैबलेट को लेते समय क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए। ब्लड शुगर बहुत ज्यादा कम होने से बचने के लिए आपको अकारबोस टैबलेट को लेने के बाद खाने को स्किप नहीं करना चाहिए, और आपको अकारबोस टैबलेट को लेने के बाद आपको अपने रेगुलर शेड्यूल पर खाने का सेवन करना चाहिए। अगर आपको अकारबोस टैबलेट का सेवन करते समय भी बार बार पेशाब आना, ज्यादा प्यास लगना, नींद का अधिक आना और मुंह या सांसों से फ्रूटी स्मेल आती है, अगर आपको अकारबोस टैबलेट का सेवन करते समय भी बार बार पेशाब आना, ज्यादा प्यास लगना, नींद का अधिक आना और मुंह या सांसों से फ्रूटी स्मेल आती है, तो ये लक्षण हाइपरग्लाइसेमिया के हो सकते हैं, यानी ये लक्षण शरीर में ब्लड शुगर लेवल ज्यादा होने के हो सकते हैं। अगर आपको इनमें से कोई भी लक्षण होता है तो आपको तुरंत ही डॉक्टर को बताना चाहिए, क्योंकि हो सकता है कि आपके शरीर में अकारबोस टैबलेट अच्छी तरह से काम न कर रही हो और ऐसी स्थिति में आपके डॉक्टर को दवा की खुराक बढ़ानी पड़ सकती है या दवा को बदलना भी पड़ सकता है। शुगर को अच्छी तरह से नियंत्रण में करने के लिए आपको अकारबोस टैबलेट के साथ साथ रेगुलर एक्सरसाइज करनी चाहिए, चिंता व तनाव से बचना चाहिए, पर्याप्त मात्रा में नींद लेनी चाहिए और यदि आपके शरीर का वजन ज्यादा है तो वजन को कम करना चाहिए। अब हम जानेंगे कि क्या प्रेग्नेंट महिलाएं
और स्तनपान करा रही महिलाएं अकारबोस टैबलेट को ले सकती हैं या नहीं। वैसे अकारबोस टैबलेट प्रेग्नेंट महिलाओं और गर्भ में पल रहे बच्चे को कोई नुकसान नहीं पहुंचाती है, लेकिन प्रेग्नेंट महिलाओं को डॉक्टर अकारबोस टैबलेट को लेने की सलाह तभी देते हैं जब अकारबोस टैबलेट का देना बहुत ही जरूरी हो। और स्तनपान करा रही महिलाओं के लिए अकारबोस टैबलेट का सेवन करना रिकमेंडेड नहीं है, इसलिए प्रेग्नेंट महिलाओं और स्तनपान करा रही महिलाओं को अकारबोस टैबलेट को लेने से पहले डॉक्टर से परामर्श लेना चाहिए और डॉक्टर की सलाह के बिना प्रेग्नेंट महिलाओं और स्तनपान करा रही महिलाओं को अकारबोस टैबलेट को नहीं लेना चाहिए। वीडियो को देखने के लिए आपका धन्यवाद। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और अगर आपका अकारबोस टैबलेट से संबंधित कोई प्रश्न है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं।